पूर्व दिल्ली की जनता ने सदन में हुई घटना की निंदा। मेयर ने कहा विपक्ष के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। मेयर ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, हंगामे के फोटो वीडियोज भेजे मुख्यमंत्री को। आनंद विहार में स्नैचिंग की शिकार हुई महिला गंभीर रूप से है घायल। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। पुलिस ने सीबीडी ग्राउंड के रास्ते को बैरिकेड लगाकर किया बंद। पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। पेंशन धारकों को ऑनलाइन प्रक्रिया से नहीं कोई फायदा। 2 से 4 महीने से नहीं मिली पेंशन। लंबे समय से खा रहे हैं दफ्तरों के चक्कर। कृष्णानगर में है जलभराव की समस्या। स्थानीय जनता चुनावों से पहले कैंडिडेट से लेगी लिखित आश्वासन। पूरी दिल्ली के आरडब्ल्यू के मेंबर और अपने इलाके में उठाएंगे मांग। और कोरोना नियमों को बरतने में हो रही है लापरवाही। मार्केट में लोग घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए। दुकानदार भी दिखे बिना मास्क लगाकर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली नगर निगम के सदन में मंगलवार को बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। इस पर जनता का कहना है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि जनता के हित में काम हो। सदन में जो घटना मेयर के साथ हुई वो निंदनीय है। विपक्ष के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। साथ ही मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि विपक्ष की हरकतों के लिए ही मैंने उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बैठक में विपक्ष ने जो हंगामा किया उसकी फोटो वीडियोस भेजी हैं और कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उपराज्यपाल महोदय को लेटर लिखा है, इनके मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है कि आप ऐसे लोगों को सदन में लाना चाहते हैं क्या? ऐसे लोगों को आप टिकट देंगे? ऐसे लोगों को आपने आगे बढ़ाया है? अच्छे लोग आने चाहिए जिनका चरित्र अच्छा हो, जिनका चाल अच्छा हो, जो सदन की गरिमा को जानते हो। जो उन्होंने व्यवहार किया है वो भी दिल्ली की जनता एक भी आम आदमी पार्टी के पार्षद चुनने वाली नहीं है। उन्होंने कल सदन की गरिमा को दागदार किया है, वो भी दिल्ली की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है। देखो जी, हमारे दिल्ली के जो नगर निगम है इसको अगर काम नहीं करने देगी ऐसे दिल्ली सरकार के या आम आदमी पार्टी के लोग, तो ये बड़ी अभद्रता है। क्योंकि जो भी बजट बनता है वो पब्लिक के हित के लिए बनता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, तो बाद में डिसीजन हो, अपनी बातें तो रखने दे। अगर हम ऐसे ही व्यवहार हमारे समाज में बढ़ता गया है तो किसका क्या रिजल्ट होगा? काम नहीं हो पाएंगे समाज के बिल्कुल भी। तो इसलिए इसको देखते हुए ये थोड़ा सा अपना आपको देखना चाहिए। जो दुर्व्यवहार कल सदन में देखा गया ये बड़ा निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा इंप्रेशन गलत पड़ता है। आम जनता तो सोचती है कि भाई देखिए वो तो कुछ करने देना चाहते ही नहीं है किसी को, आम आदमी पार्टी वाले, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। पूर्व दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। जैसे आरोपी महिला ने इसे चैन छीन कर भागा तभी महिला सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद महिला को हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में महिला को रेफर मैक्स में कर दिया गया है। महिला अभी भी एडमिट है। इस वारदात को लेकर महिलाओं का कहना है कि स्नैचिंग की वारदात लगातार इलाके में बढ़ती जा रही है और पुलिस इन पर रोक नहीं लगा पा रही है। पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। साथ ही डार्क एरिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां पर लाइटिंग ठीक करनी चाहिए जिससे होने वाली वारदातों पर लगाम लग सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद विहार पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस ने सीबीडी ग्राउंड के रास्ते को बैरिकेड और पत्थर लगाकर बंद कर दिया है और उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। लेडीज को तो बहुत डर लगता है, कानों के छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, चैन झपट लेते हैं जैसे, तो इसलिए बहुत डर लगता है। आजकल तो कानों के भी उतार कर रखने लगे, इनके भाग जाते हैं और जैसे करते तो उसको बाइक पाते हैं और झपटा मारते हैं, भाग जाते हैं। बहुत डर लगता है। एक्चुअली क्या है कि सेफ्टी तो है ही, हमारे हाथ से हमारा कुछ भी कीमती सामान जा ही सकता है और चला भी गया है मेरा, तो उसमें मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह सब कुछ ओरिजिनल था और 20,000 कैश भी थे। पुलिस ने ऑलरेडी मुझसे ये बोला कि आप उन्हें बोल दो कि मैं उन्हें देख के डर गई। बंदा को 10 सेकंड तो ये समझने में लगता है कि भाई क्या हुआ हमारे साथ। मैम पुलिस को तो मेन फोकस, पहली बात तो जो पेट्रोलिंग होती है वो ज़रा हर, मेरे को तो लगता है कि हर गली के कॉर्नर में होनी चाहिए। भाई गली नहीं हो सकती तो कम से कम एरिया वाइज 2-3 पेट्रोलिंग के लिए होना
होना ही चाहिए। मैं जैसे मैं यहाँ पे काम करती हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 6 बज जाते हैं यहाँ से निकल के, अगर कहीं भी डार्क एरियाज हो तो मुझे निकलने में दिक्कत होती है, अपने फ़ोन को जेब में से बाहर निकालने में दिक्कत होती है, कोई भी साइड से 2 बाइक वाले लड़के चले जाते हैं, खींच के ले जाते हैं अगर मैं फ़ोन पर बात करती हूँ, ऐसी बहुत हो रही है। और ओल्ड एज वुमेन्स होती हैं उनके साथ ज़्यादा हो रहा है, उन्होंने कोई गोल्ड चैन कुछ पहन रखी होती है, बिल्कुल बनाने चाहिए, अगर वो बनाएंगे जब भी तो हमारी पब्लिक सेफ रहेगी। बीती 7 तारीख की रात को आनंद विहार इलाके में एक स्नैचिंग होती है जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल होती है, जिसके बाद उस महिला को आनंद विहार के हेडगावर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिलहाल अभी महिला की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। ग्राउंड एरिया है मॉल के पास का एरिया, जिसे कहा जाता है कि स्नैचिंग का गढ़ भी है, क्योंकि ये सुनसान एरिया कहा जाता है, सीबीडी ग्राउंड है सामने की तरफ, इस एरिया में ही स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस एरिया को चारों तरफ से सील किया हुआ है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं, इससे पहले भी कई घटना इस एरिया से आई हैं, और खासकर कहा जाता था इस एरिया में स्नैचिंग की वारदात काफ़ी होती रहती हैं। जिसके बाद अभी परसों की रात जो हादसा हुआ उसके बाद से महिला काफ़ी रूप से गंभीर रूप से घायल हुई, वह मामला हाईलाइट हुआ, जिसके बाद इस एरिया को पूरी तरीके से सील किया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से खंगालने में लगी हुई है कि जिस आरोपी ने उस महिला के साथ घटना को अंजाम दिया था या स्नैचिंग की थी, वो आरोपी जल्द से जल्द पकड़ में आए। कैमरामैन नवीन के साथ एहरार चौधरी, CCN। दिल्ली सरकार की ओर से अब पेंशन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि अब जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ऐसे सवाल ये उठता है कि पेंशन धारकों को पेंशन तो पहले से ही नहीं रही, लेकिन ऐसे ऑनलाइन प्रक्रिया से क्या फायदा। पेंशन धारकों ने बताया कि 2 से 4 महीने हो चुके हैं हमें पेंशन नहीं मिल रही है, और अब सभी पेंशन से संबंधित कामों को ऑनलाइन किए जाने का भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। यहां तक कि कई लोगों ने यह भी कहा कि कोई भी और किसी भी कोई पेंशन नहीं बनाई जा रही है। लंबे समय से सेंटर्स के धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। देखो जी, गवर्नमेंट का ऐसा होता है, बहुत सी स्कीम में तो ऑनलाइन जो है ये पोस्टर में लगा के मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया है, और वो तकरीबन 50% जो है ऐसे प्रचार का माध्यम बन के ही रह जाती है, और उसको यदि पूरी तरह डिटेल में यदि इसी तरह सुविधा कर दें तो लाभ है, परंतु ये डेमोक्रेसी में अपना क्रेडिट लेने के लिए ये सब कोई कर देते हैं, परंतु उस पर पूरे नहीं उतरते। अगर खोलेंगे तो ऐसे हो सकता है, अगर होगा तो, लेकिन हमारी उम्र 65 हो गई, अभी तक नहीं लगी, और कई बार ये तो यही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि खोल रहे हैं। दिक्कत बहुत है, वो कह रहे कि अभी आई नहीं है जी, जब आ जाएगी बता देंगे हम आपको। दिक्कत तो हो रही है, पेंशन में हो रही दिक्कत है, हमारी माँ की भी नहीं आई। पूर्व दिल्ली के कृष्णा नगर में अक्सर जलभराव की समस्या देखने को मिलती है, स्थानीय लोग इस परेशानी से तंग आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि आने वाले MCD चुनाव के सभी कैंडिडेट से लिखित में मांगा जाएगा कि जीतने के बाद 1 साल के अंदर जलभराव की दिक्कत को दूर किया जाएगा। RW मेंबर्स VS वोरा का कहना है कि कृष्णा नगर में ये डिमांड उठा दी है, और जल्दी पूरी दिल्ली की RW के मेंबर अपने अपने इलाकों में ये मांग उठाने वाले हैं। यहाँ सारी सड़कों पे गंदा पानी दिखता, नाली का पानी दिखता, आज निगम ने क्या कर रखा है, सीवर के साथ नालियों के कनेक्शन जोड़ दिए, जिससे सारा सीवर का नालियों का पानी सीवर के अंदर जा रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। 15 साल निगम फेल रही है, और इस 5 साल में तो बिल्कुल काम नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निगम ने जितना भ्रष्टाचार और काम ऐसे हुए कृष्ण नगर में, जनता देख रही है और त्रस्त है, और जल भराव की जो समस्या है, आने वाले 1 साल के अंदर हम वादा कर रहे हैं, 1 साल के अंदर जल भराव की समस्या भी हम खत्म कर देंगे। 2 साल से पानी की समस्या, जल भराव की समस्या एक्सट्रीम हो गई थी, जिसके कारण हमने आसपास में सब RW ने मिलके ये प्रयास करना शुरू करा है, और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे हम अपने कृष्णा नगर की समस्या का समाधान करेंगे, इसको देखते देखते हमारे बाकी के एडजॉइनिंग एरिया भी इस मुहिम में आगे आएंगे, और हम कृष्णा नगर के साथ साथ दिल्ली का भी सुधार करेंगे, और धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ेगी तो पूरे इंडिया का सुधार होगा। अक चुके हैं हम लोग, पिछले 20-25-30 सालों से हम लोग परेशान हैं, हर नेता के बुआ खड़क आ चुके हैं, और लास्ट में हमें और कोई समझ नहीं आई, तो हमने ये बोला जो भी इस बार कैंडिडेट आएगा इलेक्शन लड़ने,
उससे हम रिटर्न में लेंगे कि भाई एक साल के अंदर तुम अपना काम खत्म करोगे, वाटर लॉगिंग को निपटाओगे, और अगर ना निपटाई पाए, अगर तो काम चल रहा हुआ तब तो हम चुप रहेंगे, अगर काम नहीं चल रहा हुआ तो हम आपका बायकॉट कर देंगे। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 494 मामले दर्ज किए गए। ऐसे में कोरोना का डर अब लोगों में कम होने लगा है। मार्केट में ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूमते दिख रहे हैं। वहीं जब लोगों से पूछा गया कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है, तो लोग बहाना बनाते हुए नजर आए हैं। और दुकानदारों की बात करें तो पहले के मुकाबले दुकानदार भी अब कोरोना की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं और बिना मास्क लगाए नजर आते हैं। चालान बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लोग अभी भी ठीक ठाक तरीके से मास्क नहीं पहन रहे हैं। बार बार समझाने के बावजूद मैंने अपने पूरे सब रीजन के 3 बार खुद पूरे पैदल दौरे किए हैं, सीडीबी साथ लेके लोगों को एक एक दुकान पे जाकर समझाया गया है, जो भी भीड़ मिली उसको समझाया, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो इस वजह से हमने चालान तेजी से बढ़ा दिया है और सख्ती बढ़ा दी है कि ताकि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर पाए। हाँ, गलती है, मैंने इस समय करा था, अकेले एकदम एकदम बाल आ गए तो इधर को करें। लगाते हैं मास्क लेकिन रिक्शा चलाते हैं सांस फूल जाता है, इसलिए रिक्शा चलाते हैं सांस लेने में तकलीफ होती है। अरे भाई साहब, बात कर रहा था मैं, जरा किससे बात कर रहे थे आप? पास में बात कर रहे थे। नहीं, आपने अभी देखते हैं तो नीचे कर रखा था, वैसे बात नहीं हो पाती ना, बंद हो जाती है आवाज इसी के अंदर। इनकी रैलियाँ हो रही है तो कोरोना नहीं है, पब्लिक बैठी है तो कोरोना हो रहा है। नहीं, जो आम रैलियाँ हो रही हैं इसमें कोरोना कहाँ गया? ये कोरोना क्या खत्म हो गया? कोरोना रैली वालों का नहीं, रैली वालों का कोरोना खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, कोरोना नहीं चला गया, मास्क हट गया था, हटा दिया था। सांस फूली सुबह से लगा रखा था, सांस की तकलीफ हो रही थी, इसलिए थोड़ी दिल की हटा लिया था। पूर्व दिल्ली के शाहदरा, जगतपुरी और पटपड़गंज की सड़कों की हालत बदहाल बनी हुई है। सड़कों में गड्ढे होने से इन पर गाड़ियों का चलना भी मुश्किल है, जिसमें ये सड़क काफी व्यस्त सड़कों में आती हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता है। जब बारिश का मौसम होता है तो सड़कों पर जलभराव की समस्या भी देखने को मिलती है, जिससे कि जाम की स्थिति पैदा होती है। सादरा से और गाजीपुर के लिए रोड जा रहा है और रोड टूटने से तो दिक्कत ही दिक्कत होती है, जैसे गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए या गाड़ी बैक भी जाती है। आजकल कोहरे के टाइम हो रहे हैं, बाइकें भी गिरती हैं और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं रोड टूटने पर। तो बहुत दिक्कत है मैडम, गिरने का डर रहता है, गाड़ी फिसल जाती है, गाड़ी स्लिप हो जाती है। ये करके डुमा से आगे आ गए हम, गड्ढे वड्ढे में पानी होता है, देखो आपके क्या हालत हो रही है। बिल्कुल 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 आती है, जब बारिश होती है जब रोड ही बाहर आ जाती है। दिक्कत होती है गाड़ी के, हर महीने या हर हफ्ते में सोकर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, गाड़ी का चिमटा ख़राब होता है, प्लस जब बारिश वगैरह आती है तो गड्ढे के चक्कर में कभी कभार ऐसा होता है कि गड्ढे में पानी भरा रहता है, दिखता ही नहीं उसके अंदर की गड्ढा है क्या है, तो क्योंकि कभी कभार एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है उसके चक्कर में। और सवारी वगैरह बैठती है तो वो हमें कोसती है कि भैया आप सही से नहीं चला रहे, हम कैसे सही चलाएं जब हमें पानी के अंदर थोड़ी दिख रहा है कि गड्ढा है कि क्या है। तो इस कारण ये आपका जगतपुरी वाली रोड है, ये जगतपुरी रोड कहते हैं इसे, वैसे कड़कडुमा जगतपुरी के अंडर पर पड़ता है रोड। मेरा नाम प्रभास शर्मा, ऑटो चलाता हूँ। सड़क 70% दिल्ली की इस वक्त खराब चल रही है, बिल्कुल हो सकती है, पर हमारी तो गाड़ी को चीमटे पीमटे क्या क्या परेशानी होती। कड़कडुमा में नाले का ओवरफ्लो होने की वजह से सारा पानी सड़कों पर फैला रहता है, जिससे सड़क पर गंदगी ही गंदगी रहती है और पानी इकट्ठा होने से मच्छर भी पनपते हैं, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। MCD कर्मचारियों का कहना है कि PWD हमेशा ही सफाई कर्मचारियों को निशाना बनाती है, लेकिन अपने काम ठीक तरीके से नहीं करती है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का हर रोज उठाना पड़ता है और परेशानियां इलाके के लोगों को भी होती हैं। बड़े ही मतलब दुख का विषय है कि चाहे PWD का हो, चाहे ऑर्डिकल्चर का हो, चाहे किसी का भी मतलब कचरा हो, वो थोपा जाता है हमारे सफाई कर्मचारी के ऊपर ही। अभी जैसे ट्रांसफार्मर भी है, ये तो यहाँ भी कोई हादसा हो सकता है, किसी के साथ अपनी घटना घट सकती है, तो कुल मिला के मतलब PWD अगर अपने जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। दिक्कत अभी तो बहुत हो रही है और मुझे नहीं लगता कुछ दिन कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम, और फिर ये पानी अभी निकलेगा नहीं तो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि बारिश आ गया कि बारिश हो रही है। और मुझे ये डर है यहाँ पे बगल में झुग्गी झोपड़ी है, ऐसा कोई किसी का बच्चा कोई यहाँ पे कोई हादसे का शिकार बन जाए। पानी भरा हुआ है और अक्सर यहाँ पे परेशानियाँ होती है, जब भी बारिश आती है इसी तरह पानी भर जाता है। दिक्कतें तो बहुत हो रही है मैडम, ये देख लो ना आप, ये मच्छर हो रहे हैं और ये सारा जमा हुआ कीचड़, कई बच्चे खेलते हैं या भागते हैं, फिसल भी जाते हैं।
पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में निगम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेस्ट अस्पताल में बनाए गए आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने के लिए पूर्व मेयर पटपड़गंज वार्ड के निगम पार्षद बिपिन बिहारी सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष विनोद कुमार बछेती पहुंचे। बिपिन बिहारी सिंह ने बताया कि चेस्ट अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में 16 लाख की लागत से अत्याधुनिक टॉयलेट ब्लॉक बनाया गया है, जहां पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विकलांगों को ध्यान में रखकर के भी टॉयलेट बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अस्पताल परिसर में टॉयलेट की आवश्यकता थी, अस्पताल के बाहरी परिसर में कोई टॉयलेट नहीं था। ऐसे में निगम द्वारा बनाए गए पटपड़गंज क्षेत्र के अलावा अस्पताल में आने वाले लोगों की परेशानी दूर होगी। देखिए, ये शौचालय का डिमांड यहाँ के लोगों का बहुत दिनों से था, क्योंकि यहाँ पर कम से कम रोज जच्चा बच्चा केंद्र में, चेस्ट हॉस्पिटल में, ओपीडी में सैकड़ों यहाँ के लोग आते हैं जो दवाई के लिए। बहुत सारी हमारी बहनें भी यहाँ पर आती हैं, लेकिन यहाँ पर शौचालय नहीं था, लोगों को बहुत दिक्कत था इसका। इसके लिए यहाँ शौचालय का निर्माण नगर निगम द्वारा कराया गया। इसका लागत 16 लाख रुपए है, जिसमें एक आधुनिक शौचालय, पानी की निरंतर व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, इसमें महिला पुरुष के अलावा दिव्यांग का भी ख्याल रखा गया, उसके लिए भी अलग से बनाया गया है। इंसान सबसे ज़्यादा परेशान होता है टॉयलेट के लिए। अगर यहाँ पे जितने भी मरीज आते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं, वो मेनली ये होता है कि इधर उधर टॉयलेट जाने से और उससे गंदगी फैलती ही फैलती है, तो सभी जानते हैं। इस टॉयलेट से यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो इधर हमारे क्षेत्र से आते हैं, सभी को इस टॉयलेट का बड़ा फायदा होगा। सर्दी का सीजन चल रहा है और बारिश होने के बाद मौसम में बदलाव आने से लोगों में बीमारी फैलने लगती है, जैसे कि बुखार, खांसी और जुकाम। ये लक्षण कोरोना से मिलते हैं, तो इस पर जानकारी लेने के लिए हमने पूर्व दिल्ली के एक्सपर्ट से बात की, तो उनका कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर में भी मौसम बदलने से वायरल फीवर की समस्या सामने आई थी। ज़्यादातर ओपीडी में वायरल फीवर के मरीज थे, उस समय ये देखने में काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है। मौसम बदलने से वायरल फीवर की शिकायत तो है, अब भी आ सकती है, लेकिन कोरोना की नहीं। जब ये थर्ड वेव चल रही थी तो ऑलमोस्ट हर अस्पताल की ओपीडी में गला ख़राब, जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज आ रहे थे। उस वक्त बड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये देख पाना कि ये कोविड का सिम्टम्स हैं या आम वायरल फीवर के या जो कोल्ड के सिम्टम्स हैं वो हैं, क्योंकि हर साल इन दिनों में वैसे भी होते थे। लेकिन इस बार पाया गया कि बहुत ज़्यादा उसमें से केस जो थे वो कोविड पॉजिटिव आ रहे थे। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि कोविड की पॉजिटिविटी बहुत कम हो गई है, तो ये देखा जा रहा है कि जुकाम, खांसी और गला ख़राब, हल्का बुखार के अंदर ये कोविड नेगेटिव टेस्ट आ रहा है, और ये इसको एज ए रूटीन कॉमन कोल्ड या वायरल फीवर करके उसको माना जाता है। तो ये बीमारी तो चलती थी और साल चलती थी, और जैसे अब ये गर्म सर्द का मौसम आ जाएगा तो मार्च तक आप देखेंगे कि ये जुकाम खांसी चलता रहेगा। थोड़ा बहुत स्पोरेडिक केसेस एंडेमिक है देश के अंदर, ये चलना ही चलना है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN Live को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।